हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ एक छोटा सा बट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट का टॉपिक। ग्रॉस प्रॉफिट आखिर होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आज हम जानेंगे। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी बच्चे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी बच्चे जो हैं कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे अकाउंट्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आपको इस टॉपिक पर आ सकता है। ये इतना नॉर्मल टॉपिक आप समझ के इसको कई बार छोड़ देते हो, बट स्टिल दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक। देखिए, अब जो है, लेट्स सपोज मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैं कुछ काम करती हूँ, या फिर एक मान लीजिए कि मैं ये कैलकुलेटर बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली ही कंपनी हूँ, तो इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मुझे बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, ठीक है, लाइट्स चाहिए होंगी क्योंकि लाइट्स वगैरह के से काम नहीं चलता साथ ही साथ और भी कुछ खर्चे चाहिए होंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जब पूरा कैलकुलेटर बन के रेडी हो जाएगा, तो जितने भी पीस रेडी होंगे उसको मार्केट में बेचने के लिए बाहर लेके जाऊँगी, और इसमें से जो भी पीसेस बिकेंगे वो पीसेस मैं यहाँ पे अपने पास लिखूँगी कि हाँ, ये इतने का माल मेरा बिक गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है? ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट जो कि आपका रॉ प्रॉफिट आप एक तरीके से कह सकते हो, जो कि आपने जितना भी सामान बेचा है, जो भी आपने रिवेन्यू जनरेट किया है, जब आप सामान बेचते हो तो जो आपके पास सेल्स अमाउंट इकट्ठा हो जाता है चीज़ें बेच करके, उसको आप रिवेन्यू कहते हो, रिवेन्यू, ठीक है, या फिर आप कई बार आप इसको सेल्स भी कह सकते हो कि कितने की सेल्स हुई है, लेकिन अगर आप अकाउंट्स के टर्म में बोलो तो इसको रिवेन्यू बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका रिवेन्यू आपका जनरेट हुआ है, और यहाँ पे वो रिवेन्यू में से आप माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए कि उस सामान को बनाने में आपका खर्चा कितना आया है, जिसको हम कहते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको बनाने में कितने आए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट या आपका क्या होता है कि जो आपने सामान बेचा है, जो रिवेन्यू आपको जनरेट हुआ है, माइनस उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि आपने कितने डायरेक्टली जो है उसमें बनाने में खर्चे किए थे। देखो, एक कंपनी में जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों होते हैं। अब जैसे मैं ये जो है अगेन ये कैलकुलेटर बना रही हूँ, तो इसको बनाने के लिए मैंने ये पूरा खाँचा लिया होगा, ये प्लास्टिक लिया होगा, ये पूरी बॉडी ली होगी, ये बटन्स लिए होंगे, पैनल्स ये पूरा लिया होगा, साथ साथ ये स्क्रू ड्राइवर्स लिए होंगे। देखो, मेड इन इंडिया है तो वैसे ही अच्छा लग रहा है मेरे को, तो ठीक है, इसके अंदर सेल डला होगा वो मैंने लिया होगा। सो ये सब बाय करने के लिए जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, एक तरीके से ये सारे मटीरियल्स हैं तो ये डायरेक्ट मटीरियल का खर्चा मैंने लिया। दूसरा, इसको बनाने में लेबर का यूज़ हुआ, तो वो लेबर ने इस पर काम किया तो उसका भी खर्चा, और जहाँ पे ये चीज़ें बन रही थी वहाँ के और भी खर्चे होते हैं, जैसे सामान लाया गया तो उसका भाड़ा हो गया, या फिर जो है लाइट चल रही है उसका भाड़ा, उसका जो है किराया वगैरह सब हो गया, लाइट का एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पे ये सब खर्चे हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे आपके अकाउंट्स का बंदा है कोई, ठीक है, आपकी कंपनी में काम कर रहा है, अकाउंट्स का बंदा कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे प्रोडक्शन होकर के निकल सके, यानी कि डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, बट स्टिल उसको सैलरी तो दे रहे हो। उसके जैसे ऑफिस में और भी लोग होंगे जो कि सेलिंग कर रहे होंगे या फिर अदर कोई खर्चे कर काम कर रहे होंगे, सो वो लोग भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्शन से, बट सैलरी तो उनको भी जा रही होती है। तो ये सब क्या है ये सब क्या है, अब ऑफिस है, ऑफिस का भी रेंट जा रहा है, लेकिन वो स्पेस जो है आपकी यूज़ नहीं हो रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, या फिर वो पूरा यूज़ हो रहा है ऑफिस के लिए, तो वो किससे रिलेटेड है? ये सारी चीज़ें आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो कि डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा नहीं हो रही है बल्कि इसके अलावा खर्चा हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसके अलावा खर्चे हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, उसको यहाँ आप इंक्लूड नहीं करोगे, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड किया जाता है। और रिवेन्यू में से जब आप डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल देते हो, या फिर आप इसको कहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि गुड्स जो आपने बेचे हैं उसका जो एक्चुअल कॉस्ट बन के आया है वो जब आप इसमें से निकाल देते हो, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। सो यहाँ पे रिवेन्यू, जिसको हम सेल्स कहते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू योर
ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं कि कितने मार्जिन से आप अपना बिजनेस चला रहे हो, यानी कि कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है। सो ग्रॉस प्रॉफिट को आप ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है क्या होता है, एक्सेस होता है किस चीज़ का, एक्सेस ऑफ द प्रोसीड ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ओवर देयर कॉस्ट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये लाइन को थोड़ा सा समझे और एग्जाम में इसी तरीके से लिखिए। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है एक्सेस है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट है वो है किस चीज़ का, ऑफ द प्रोसीड ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आपने गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज दी है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कॉस्ट से ज़्यादा करके, ठीक है। तो यानी कि जो कॉस्ट आई थी आपकी उससे ज़्यादा आपने जो गुड्स, उससे ज़्यादा अमाउंट का जो गुड्स आपने बेचा है या सर्विस दी है, ठीक है, बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट। यहाँ पे अब एक और चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे आप बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे को लेने से पहले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेने से पहले, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लेने से पहले का जो अमाउंट आपका निकल के आ रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें आपने ना फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जोड़े, ना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़े, ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जोड़े, तो उसको जोड़ने से पहले का जो अमाउंट है आपका, और जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू कितना इसके एक्सेस है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। डिफरेंस बिटवीन आपका सेल्स एंड COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आपका रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू माइनस COGS, COGS इज इक्वल टू आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रिवेन्यू मतलब होता है जो आपके बिजनेस एक्टिविटीज में इनफ्लो हुआ है जब आपने अपने जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचा है या फिर उनको खर्चा किया है। सो रिवेन्यू का मतलब है इनफ्लो फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है लैपटॉप बेचना, फोन बेचना, तो ये मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। इसको बेच करके जो मेरे पास इनफ्लो हुआ है अमाउंट, वो आपका जो है यहाँ पे रिवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। Enterprises deals in whereas the cost of goods sold in case of trading concern comprises purchase of goods in which concern deal and direct expenses incurred such as freight, octroi, duty etc. on or before purchase, ठीक है। और यहाँ पे आपका cost of goods sold में ये सारी चीज़ें आपकी include हो जाती हैं। So that is it for today guys. I hope this is clear to you. Now let's see you in the next video. Till then take care of yourself and take care of your health. Bye.